कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज इस गोरखपुर की सरजमी पर मैं अनुपमा यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भाई गर्व करते हैं हम इस बात पे कि हम मुख्यमंत्री के शहर से हैं। और यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। और गोरखपुर पे रहने के बाद गोरखपुर महोत्सव में सम्मान आज मुझे आमंत्रित किया गया है। इससे बढ़कर मेरे लिए गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे बहुत ही प्यारे सांसद रवि किशन जी को। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे शान के लिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भाई एक बार भोजपुरी में बोल दी का कैसन बड़ा लोग ठीक बड़ा। आज हमने के भोजपुरी में तड़का लगावल जे हम लगाई शिल्पी आयल बड़ी बड़ दीदी कल्पना दीदी आयल बनी रवि किशन जी बनी सभी मिलके आज भोजपुरी में तड़का लगावल जाए। और रउआ सबके जौन डिमांड कैले बनी वो हम पूरा कोशिश करब कि सुना के जाए। लेकिन आई आगाज कल जाओ एक बड़ा प्यारा भजन से। एक बार प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की। और एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मुझे एक भजन बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि जब भी किसी मंच की आगाज करूँ तो हमेशा शुरुआत में उसी भजन से करूँ। और मुझे लगता है कि आप सबको भी वो भजन बहुत पसंद आएगा जो कि हमारे श्री राम जी और हनुमान जी के ऊपर है। बड़ा प्यार दर्शाता है ये उनका प्रेम। आइए एक छोटे से भजन से शुरुआत करते हैं। याद दिला दिया यार, हमें तो इंतजार है अब 22 जनवरी का जब हम सब मिलके चलेंगे अयोध्या। मेरे साथ अयोध्या कौन कौन चलेगा? बस और कोई नहीं चलेगा? अच्छा मैं समझ नहीं पाती हूँ ये आगे वाले ना हाँ बोलते ना ना बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ। मतलब आज आप लोग को भी तो बोलना पड़ेगा ना, कौन कौन चलेगा मेरे साथ अयोध्या? और प्रेम से बोलेगा जय श्री राम, जय श्री राम। मैं चाहूंगी एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो, एक बार दोनों हाथ मेरे लिए नहीं राम जी के लिए, एक बार दोनों हाथ ऊपर करो सीधे सीधे। देखो मैंने कहा था ना आगे वाले कभी हाथ नहीं उठाएंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ, अरे एक बार बोल दो जय श्री राम। की सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। की सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। लेकिन हम जाएंगे अगर गोरखपुर की बात है और हम गर्व करते हैं कि हम ऐसे शहर से हैं जहाँ का सांसद इतना प्यारा है कि वो सभी को अपने दिल में रखता है, जहाँ के मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि एक बात हमारी हमेशा सुनते हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे पूरे सीधे सीधे एक बार दोनों हाथ उठा के देखो कि हाँ चलो इज्जत रख लिए सब मेरी। एक बार दोनों हाथ उठा के और ताली बजा के कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
घर की बिटिया गाती है ना तो सभी को साथ में गाना चाहिए। हम गा के चले गए तो फिर मजा क्या आएगा। जरा एक बार मिल के बोलिए तो, कि सजा दो घर। आधे कहीं और गा रहे, आधे कहीं और गा रहे, ये आगे वाले तो कुछ गा ही नहीं रहे। मेरी नजरें सिर्फ आप लोगों पे हैं सर, जितने भी आगे बैठे हमारे गेस्ट है ना। बस बोलना है कि मेरे श्री राम आए हैं। क्या बोलना है? ठंडी ज्यादा लग रही है क्या? नहीं ना। आओ जरा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के सीधे सीधे पूरे पूरे, कि सजा दो घर को गुलशन सा। सर आप ही लोग की शिकायत आ रही है सर, कम से कम आप तो मिलके गा दीजिए। आइए जरा दोनों हाथ एक बार और ऊपर उठाएगा, एक मौका और देते हैं आपको, कसम है आपको एक मौका और देते हैं। चलिए, कि सजा दो घर को गुलशन सा। ऐसे अगर आप गा दीजिए ना तो आधे दुश्मनों की तो ऐसे छुट्टी हो जाएगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को। आइए जरा दोनों हाथ ऊपर ऊपर उठाएंगे और मिलके गाएंगे, कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे घर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहते हैं ना कि भोजपुरी का तड़का और भोजपुरी लोकगीतों का तड़का थोड़ी देर बाद लगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इंतजार जितना अच्छा होगा उतना अच्छा मजा आएगा, है ना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम।